तो दोस्तों हमने जो मोटर वाइंडिंग किया था कंप्लीटली धूप में रखा था तो सूख गया है। अब इसको इस तरफ भी दोनों साइड कंप्लीटली सुखा कर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसमें जो ये वाला जो अब जो ये देखे क्लास ये क्लास को खोल के हम साफ करना है। थोड़ा सा सीरीज मारकर इसको फिर से वापस लगा देना है इसमें। तो दोस्तों ये क्लास थोड़ा अलग किस्म की है दोस्तों। देख सकते हैं पूरी तरह से ये आयरन लग गया है। तो इसको हम सबा करके फिर वहाँ पे लगा देंगे। ये दोस्तों सीरीज की मदद से दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं। इसी तरह दोनों साइड देख सकते हैं फ्रेंड पूरी तरह से साफ हो गया है। फिर से वही जगह पे हम सेट कर देंगे इसको। इसी तरह से कस लेना है इसको। ये दोस्तों हमारा स्टेयरिंग जो एंटी क्लॉक वाइज घूमता है ये स्विच की हिसाब से घूमता है दोस्तों। इस तरह के अंदर के हिस्सा जो इस तरह है और इसका जो कनेक्शन ये है फटाफट इसको यहाँ पे लगा देते हैं।
से लगाने से पहले दोस्तों हम वायर को सोल्डरिंग करके इसमें फिक्स करके हम इसको लॉक कस लेंगे। ये दोनों कैपेसिटर जो देख रहे हैं आप, ये रनिंग का 65 UFT लिखा हुआ है इसमें, और ये दोनों 265 वोल्ट AC 300 UFT यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग का कैपेसिटर, ये रनिंग का कैपेसिटर। हम वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं दोस्तों। सारे के सारे वायर हमने सोल्डरिंग कर दिया है इसी तरह। क्लच का वायर हमने लगा देंगे सोल्डरिंग करके।
तो दोस्तों हमने जो वायर लगाया है, वायर तो ये की कलर का है, पतली वाला सर, मोटे वाला ये रनिंग का, और सर के हिसाब से तो ये मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसका जो क्लास है वो काम कर रहा है या नहीं। कंटिन्यू पे सेट करके इसको हम चेक कर लेते हैं। दोनों कैपेसिटर है, पहला हम एक रनिंग का वायर यहाँ पे लगाएंगे, एक वायर शॉर्ट दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं। बदली बदली करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। इस तरह का ढक्कन हम लगा लेते हैं।
इसको कसकर हम लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने कनेक्शन भी तो बहुत ज़्यादा आरपीएम है इसमें इस मोटर का, और इसका दोस्तों हीट भी नहीं होता। खबर सबर फटाफटी। तो दोस्तों इसमें वायर का कनेक्शन लगाए गए थे। मैंने हाथ ले क्या मैंने फटाफट दोनों ढक्कन लगाकर हम आपको चेक कराकर दिखाएंगे। तो अभी हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बहुत स्पीड चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये मोटर इतना ही स्पीड है।
अभी दोस्तों हमारा काम कम्प्लीटली हो गया है। कस्टमर आएगा, कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर ज़रूर बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, क्योंकि जब नया वीडियो हम बनाएं तो आपको देखने को मिले जल्दी से, तो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।